हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितना मिस करती हूँ या मैंने कितना मिस किया है ये कैमरा पकड़ना, आप लोगों से बात करना। आप लोगों को पता है कि द रीज़न आई एम नॉट मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़, बहुत सारे रीज़न्स हैं, खैर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रीज़न है, बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन एक रीज़न उनमें से ये है कि जय के कारण वीडियोस नहीं बन पाती, क्योंकि जब भी मैं कैमरा पकड़ती हूँ तो जय आ जाता है एंड इट्स डिफिकल्ट छोटे बच्चे के साथ। और मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ, पता मैंने जब यूट्यूब चैनल शुरू किया था ना, मेरा कभी भी इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मेरे को इससे पैसे कमाने हैं या मुझे सब्सक्राइबर्स लेके आने हैं। ऑफकोर्स मैं ये नहीं कहती कि सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगता है कि जब आपकी वीडियोज़ को लोग देखते हैं, प्यार करते हैं, बट फ्रॉम द वेरी डे वन, पहले दिन से मेरा इंटेंशन हमेशा एक ही रहा है, टू स्प्रेड हैप्पीनेस एंड टू जस्ट शो रियल मी एंड जस्ट टू क्रिएट दैट बॉन्ड, एंड दैट्स द रीज़न कि मैंने बहुत मिस किया। बट देन मुझे एक चीज़ समझ आई कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मैं दोनों चीज़ों को नहीं साथ में लेके जा सकती थी, और मैं अपने यूट्यूब के साथ, चैनल के साथ, आप लोगों के साथ जस्टिस भी करना चाहती थी कि अगर मैं कुछ भी कॉन्टेंट डालूँ दैट शुड बी नाइस, आप लोग उसको इन्जॉय करें, आपके चेहरे पर स्माइल आए, ऐसे ही नहीं कि बस फॉर द सेक ऑफ दिस। सो आई डिसाइडेड कि मैं यूट्यूब चैनल को भी बैक सीट पे रख देती हूँ एंड मैंने जय पे फोकस किया। ऐसा नहीं था कि मैं जय पे 100% फोकस कर पाई, क्योंकि मेरी जॉब भी थी, बहुत सारी और भी चीज़ें थी, और आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी भी है। मुझे लगता है कि इतने महीने हो गए हैं और बहुत कुछ हुआ हो गया है लाइफ में, बहुत सारी अपडेट्स हैं, प्रोफेशनल लेवल पे प्रोग्रेस मिली है, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारा कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए, पर धीरे धीरे हम करेंगे। लेकिन जो आज की वीडियो है, आई एम वेरी हैप्पी, सबसे पहले आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं आज की वीडियो बना पा रही हूँ। अगेन मैं मुझे ये नहीं है कि मेरे को मुझे सिर्फ ये है कि मैं कैमरा पकड़ के आप लोगों के साथ ये कॉन्टेंट बना रही हूँ, मैं इसी के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ जी। कल दिवाली है, बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ, और मेरे बहुत बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें करेंगे भी। बट जब आज कल दिवाली है, सबसे खुशी वाली बात है कि वीकेंड पे आई है, क्योंकि अगर वीकडे पे कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए ना तो इट्स जस्ट अ नॉर्मल डे हेयर। मुझे लगता है यहाँ पे इस देश में यही एक चीज़ है कि त्योहारों में अगर छुट्टी ना हो तो बहुत ही नॉर्मल दिन हो जाता है। आप अगर छुट्टी ले भी लोगे तो आपके नियर्स एंड डियर वन सब काम पे होते हैं, तो मज़ा ही नहीं आता। तो बट हमें इस बात की टेंशन नहीं लेनी, दिवाली छुट्टी वाले दिन आई है, आज सैटरडे है, कल दिवाली है, बहुत सारी तैयारी करनी है। इससे पहले जय उठे, जल्दी से सारा काम शुरू करते हैं, बातें तो हमारी चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले हम दिवाली की तैयारी करें। मुझे करवा चौथ का मैं व्लॉग नहीं बना पाई बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, टाइम नहीं मिला, छुट्टी नहीं थी, इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल डे एंड आई फेल्ट रियली बैड, मुझे बहुत ही बुरा लगा, एंड मैंने डिसाइड किया मैं करवा चौथ पर नहीं सजी धजी ना, अब सारी कसर हम दिवाली पर निकाल देंगे। बट यू नो, बाकी सारी बातें बाद में करते हैं, जल्दी से घर की थोड़ी साफ सफाई कर ले, सामान ले आए, जैसे मैं आपको बता क्यों रही हूँ, साथ में करते हैं, सब करते हैं, लेट्स गेट इनटू दिस एंड सेलिब्रेट आवर दिवाली टुगेदर। पहले मुझे लगता था कि जिंदगी ना शादी के बाद बदल जाती है, लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। ज़िंदगी बदलती है बच्चा होने के बाद, बच्चा होने के बाद ना आपने जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो भी नहीं कर सकते, आप वो कर सकते हो अगर आपके बच्चे सो जाए, तभी आप कुछ काम कर सकते हो, इसके अलावा आप कभी कोई काम नहीं कर सकते। और जिन लोगों के बच्चे हैं ना वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, और जिन लोगों के बच्चे नहीं है ना, अगर आपको अभी अपनी लाइफ से कंप्लेंस है ना, वेट अंटिल यू हैव किड्स। बट ठीक है जी, ये इसको देख लो, टैनी को, जब तक मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ कि इसके साथ मैं थोड़ा काम कर सकूँ, मजाल है ये लड़का मुझे काम करने दे, और जय के साथ आप काम कर ही नहीं सकते, बच्चों के साथ काम कर ही नहीं सकते, एक चीज़ सेट करोगे तब तक दूसरी चीज़ का पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। तो मैंने यही डिसाइड किया कि भाई इसको नीचे छोड़ के आऊँगी तभी मैं कुछ कर पाऊँगी, और हमारे घर में या तो मम्मी काम कर पाते हैं या मैं काम कर पाती, क्योंकि किसी एक जने को तो जय को संभालना ही है। और अगर आप जानते हो तो आप सबको पता है कि नव्या इज़ अ वेरी वर्कहोलिक, नव्या के काम ही नहीं खत्म होते, और ये थी कमरे की हमारी हालत, मैं जितना मर्जी सेट कर लूँ 10 मिनट के बाद फिर से ये वापस हो जाएगा, बट जो भी है थैंक्स टू ये जनाब, बट ठीक है, काम करना तो भाई है। तो जी, मैं फाइनली जय को नीचे छोड़ के आई कि जब इसको नीचे छोड़ के आऊँ और घर की सफाई करूँ, सिंस मंडे टू फ्राइडे जॉब रहती है एंड वीकेंड्स में भी अब मैं कुछ और करने लग गई हूँ, वो क्या करने लग गई हूँ उसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊँगी, उस वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं अपनी वीडियोज़ यूट्यूब की नहीं बना पा रही हूँ, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, ऐसे फाहा नहीं वरना अच्छे से बताऊँगी। तो अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, टेक्निकली मैं सातों के सातों दिन काम कर रही होती हूँ, और घर डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती, इतना ही हो पाता है क्योंकि ऑफिस से आके मेरे को किचन भी संभालनी होती है, तो इट्स गेटिंग टू मच, बट दैट आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू वर्क हार्ड। तो
तो एनी वेज जी, अब फटाफट मेरे को सारे कमरे क्लीन करने हैं, बट लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे काम हैं, बाज़ार के भी काम करने हैं, और यहाँ पे वीकेंड्स पे ना कहने को ही वीकेंड्स होता है, आपको ग्रॉसरी करनी पड़ती है। यहाँ की लाइफ जो यहाँ पे रहते हैं वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि जब आप मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हो तो वीकेंड्स में आपको सारी ग्रॉसरी करनी पड़ती है। हमने अपना कमरा तो सेट कर लिया जो कि 5 मिनट बाद ख़राब हो जाएगा, बट एनीवेज इसी के साथ मैंने अपने सारे कमरे सेट कर लिए। एंड उसके बाद पता लगा ये जनाब मेरा कैमरा लेके घूम रहे हैं, मतलब बना लो नाउ। आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों व्लॉगिंग नहीं कर पाती। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं कैमरा पकड़ती हूँ तो उस कैमरा का क्या हाल होता है। और मैं नहीं अब इतना चाहती कि हाँ जाए इन चीज़ों में आए, बट देख लो हाल, देख लो आज की जनरेशन के। बट और हमारी फैमिली में ना मेरे को बड़े एफर्ट्स डालने पड़ते हैं सबको ये कहने के लिए कि यार हमने सेलिब्रेट करना है, हमने सेलिब्रेट करना है, क्योंकि ये फैमिली थोड़ी सी डिफरेंट है। लाइक दे आर इन, अगर सेलिब्रेट करना है दे विल सेलिब्रेट, बट मुझे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेना पड़ता है, मुझे बहुत सारे एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। और मुझे ऐसा लगता है एक्चुअल में भगवान के मास्टर प्लान कैसे होते हैं ना, कि भगवान हर किसी के लिए वैसा घर चुनता है जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। तो मुझे, मैं हमेशा नव्या को बोलती हूँ आपके घर को बहुत ज़रूरत थी मेरे जैसी लड़की की। बट या तो मैंने यहाँ पे नव्या को बहुत रिक्वेस्ट करी कि नव्या घर सजाना है, घर सजाना है, घर सजाना है, नव्या कर देते हैं, ही ऑलवेज से यस, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, वो हमेशा मना नहीं करते हैं, बट थोड़ा सा एफर्ट मुझे डालना पड़ता है कि प्लीज़ 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 सजा दो। बट इसी के साथ जी हमने फटाफट अपनी डेकोरेशंस करनी शुरू करी, एंड मैं यहाँ पे नव्या को बता रही हूँ यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, और बीच में हम जहाँ भी कर रहे हैं हमारा पुत्र श्री उस सारी डेकोरेशंस को ख़राब कर। अजमाई हुई बात है, जब कभी त्योहार मौका होता है इस बंदे ने मेरा लड़ना ही लड़ना होता है। हाँ, ताली दो हाथ से नहीं बचती, हर बार लड़ना होता है, और हर बार ये होता है कि दिन का इतना टाइम हम लड़ झगड़ के निकाल देते हैं और थोड़ा टाइम बचता है उसमें हम एनीवेज हर भाई की तरह लड़ाई के बाद अब दोपहर के 2:45 बज गए और 2:45 बज गए, और बस अब जितना भी टाइम है मिठाई के डब्बे लेके और अपने नियर वन और डियर वंस को फटाफट हाथ लान जावांगे क्योंकि ऑलरेडी लेट है, बट ठीक है जितना भी है ठीक है। मुक्ति का ये बनती है कि अपने दिन को मत जाने दो, लड़ाइयाँ होती रहेगी, दिवाली का दिन है, अगर आपके घर में भी लड़ाई हुई पुलचक माफ़ करके दिन मनाओ और बात लड़ो। हमने भी यही किया, अब हम जो हमारी लड़ाई है उसके को हमने पॉज कर दिया, लेकिन हम लड़ेंगे ज़रूर, कल लड़ेंगे। बट बाजार जाना है और वैसी जय के साथ वैसी नहीं कुछ होता, ये जय कुछ करन देवे तो जय दा प्यो नहीं कुछ करन देता। सो बस यहाँ फटाफट जाते हैं बाजार, जाते हैं बाजार की रौनक देखेंगे एंड उसके बाद हम शाम को आके अपना फटाफट तैयार हो गया। मैं तो उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ शाम को तैयार होने के लिए। अपा ने पाना लहंगा है चमकता धमकता जिदा मेरा प्यार रखा हुआ, मैंने लहंगा पहना और आज की दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करना है। बट हाँ, स्टे ट्यून्ड, पहले हम बाजार जाके मिठाइयाँ खरीदते। दिवाली तो मुझे हर बार याद आती है अपने लुधियाना की, अपने पापा के साथ हम जाते थे, निकलते थे स्कूटर के पीछे बैठते थे। सॉरी बाबा जी ब्लेस यू, होर मानी अच्छे का तीन तो चढ़ते तो सिमा चुके। लुधियाना की दिवाली होती थी, स्कूटर पे हम बैठते थे, पापा के पीछे बैठते थे, पूरे बाजार में जाते थे, और अगर हमारा मेरे पापा की जो नेचर है कि अगर किसी का 100 रुपया बनता था हम उसका ज़्यादा दे देते, और पापा कहते बेटे दिवाली में हर किसी के घर खुशी आनी चाहिए। और मेरे को लगता है दिवाली का मतलब ही यही है कि पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ जाए और सबके सबके घर में खुशियाँ जाए। आई थिंक दैट्स दिवाली का जो है कि इस दिन सबके घर में दिया जलना चाहिए, इस दिन सबके घर में होनी चाहिए। बट हाँ, जब मैं पापा के साथ जाती थी ना तो पूरा दिन हमने ऐसे बाजारों में करना, और पापा ने इतनी चीज़ें लेनी, एक तो मेरे पापा पूरा विधि पूर्वक सब कुछ करते थे, तो वो पान के पत्ते लेने, हाथी, और हमें ऐसा लगता था कि भाई हाथी ज़रूर मिलना चाहिए, तो हाथी के लिए गन्ने लेने। और उसकी एक साथ एक फनी स्टोरी है, शायद मैंने अपने किसी एक ब्लॉग में ज़रूर बताया होगा, बट मैं फिर से बताऊँगी। तो हमने जब भी दिवाली होती है तो हम हाथी के लिए गन्ने लेते थे ये सोच के कि हमें हाथी रास्ते में मिलेगा गई। तो उसके बाद ये एक आई थिंक दिवाली से कुछ दिन बाद एक पूजा भी होती है जिसमें हम वो गन्ने लगाते हैं, पता नहीं वो होई माता की पूजा होती है, पहले होती है बाद में होती है, बट ये था कि पापा ने 2 गन्ने लिए, पापा कहते हैं एक गन्ना हम हाथी को खिलाएंगे और एक गन्ना हमने पूजा के लिए लिया, और मैं पीछे 2 गन्ने लेके बैठी हूँ, और हमें मिल गए रास्ते में हाथी। तो जब हाथी मिले, पापा ने एक गन्ना तो हाथी को खिला दिया, तो हाथी ने देखा कि मेरी लड़की दूसरा गन्ना लेके बैठी है, तो हाथी जी मेरे पास आए और मैं अपने पास गन्ना ये लेके बैठी कि नहीं मैंने तो ये पूजा के लिए रखा, ये तो हाथी को देना ही नहीं। हाथी ने अपनी सूंड करी, गन्ना मेरे से छीना, और मैं वहां पे लड़ रही हूँ हाथी के साथ कि नहीं तेरे को गन्ना नहीं देना, ये पूजा का गन्ना है। पापा बाजू मारे गुड़िया छोड़ दे, गुड़िया गन्ना छोड़ दे, और ये मुझे हर दिवाली में किस्सा याद आता है। बट हाँ, वो हाथी जहाँ भी है
मुझे याद कर रहे होंगे, बट हाँ दैट वॉज ब्यूटिफुल मेमोरीज. और इंडिया का कोई भी त्यौहार यहाँ के त्यौहार से क्या ही मुकाबला, बट ठीक है. थैंक यू इनका भी, क्योंकि लड़े हम दोनों ही हुआ, बट फाइनली ही साइड कि अपने गिले शिकवे दूर रख के त्यौहार मनाते हैं. सो आई वुड गिव दैट क्रेडिट टू हिम, हालांकि गलती है ना इसी की. बट ठीक है, अभी सूर्य देवता जी थोड़ा जल्दी करते हैं, लेट्स गेट इनटू दिस. हाय हाय, धूप पड़ गई. This place is so beautiful and Mithai is so beautiful and this place looks so beautiful. Let me show you. Okay, give me one second. मैंने हाथ में ये पकड़ा हुआ, इसलिए मैं अच्छे से बना नहीं पा रही. बढ़िया द शॉप नेम इज पंजाबी एंड इट्स इन ओकुल. बहुत ही अच्छा जगह है एंड आई थिंक द स्टाफ इज रियली ब्यूटीफुल. एंड मुझे अब मुझे लग रहा है दिवाली वाली वाइब आ रही है. बढ़िया, सते तीन डब्बे आप ले लेने, सात डब्बे होल्ड ला लेने. बढ़िया, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. हम और जब हमने मिठाई ले लिया और अब टाइम है घर जाने का, क्योंकि अब शाम हो चुकी है और हमें फटाफट से घर जाना है. सबको मैंने फिर से कहना है कि फटाफट सब तैयार हो जाओ एंड उसके बाद बहुत सारी तैयारियां करनी है. एंड इसी के साथ जी ये रहा हमारा घर. टन हैप्पी दिवाली जी. मुझे ज़िंदगी में बस यही चाहिए, सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन. और हर किसी के लाइफ में सेलिब्रेशन होनी चाहिए. और मैं हमेशा कहती हूँ हर पल को जियो, हर पल को जियो. और मेरा बस चले मैं तो जो सारा घर सजा दूँ. और मैं हमेशा ये चलूँगी अपना घर तो सजाऊँ. हर किसी के घर में सजावट होनी चाहिए. एंड यहाँ पे आई रियली वांट टू थैंक माय फैमिली. आई नो मुझे बहुत एफर्ट पुट करना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है सबको ये मनाने के लिए कि हमने सेलिब्रेट करना है. बट एट द एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वह सब मेरी बात मान लेते हैं. हाँ मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट एट द एंड सब तैयार हो गए हैं. जय को मैंने रेडी कर लिया है, मम्मी तैयार हो गई हैं, पापा तैयार हो गए हैं, सब रेडी हो गए हैं. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी हैप्पी. एंड अब लगता है ना दिवालिया टोरो देवी कपड़े पाने हैं. अब पता लग रहा है दिवालिया नाउ. अब मैं फटाफट रेडी हो जाऊँ. तो जी फाइनली पक्के मार मार के सबको सब तैयार हो गए हैं. मैं भी रेडी हो गई हूँ. मैंने ना ये लहंगा करवा चौथ पर डालना था, लेकिन आज मैंने पहना. आज भी खैर मूड बहुत ही ऊपर नीचे हुआ, बट थैंक्स टू पापा जी फाइनली जी हम तैयार हो गए हैं. एंड बस अब फटाफट पूजा करते हैं एंड उसके बाद हमें अपने फ्रेंड्स के घर जाना. लेकिन उससे पहले अपना घर में पूरा अच्छे से मत्था टेक के पापा जी से यही प्रे करनी है. पापा जी दिवाली पे हर कोई खुश होना चाहिए, दिवाली पे हर किसी के चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए और हर किसी के घर में ना दिया बलना चाहिए. एंड लक्ष्मी जी जहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे जाओ, और आप जहाँ पे हो भी अच्छे काम में आए, कभी भी उस चीज़ पे पैसे नहीं लगे. बट चलो जी जल्दी से मत देखते हैं. एंड दिस इज़ माई लहंगा. माई लहंगा इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल. मैं नव्या को बोलती हूँ मेरे अगर वो शॉर्ट ले सकता तो ले ले एंड मेरा लहंगा दिखाए. जय पीछे से बेबा, पीछे से. अच्छा उसको वो चाहिए. जय इधर, जय मती जय इधर आओ. बेल अच्छा ऐसे नहीं चलता. कम जी. डांस के मामले में लड़का बिल्कुल अपनी माँ पे गया है कि गाने ऑन होते ही डांस शुरू हो जाता है. और नव्या ना हमेशा हंसते होते हैं. नव्या मुझे बोलते होते हैं कि मैं हमेशा चाहूँगा कि जय की नेचर तुम पे जाए. और मैं बोलती हूँ कि चलो नेचर मेरे पे चला जाए लेकिन दिमाग मेरे पे ना जाए, क्योंकि मैं हर चीज़ दिल से करती हूँ. तो मैं नव्या को ये बोलती हूँ कि आई रियली विश इसका दिमाग आप पे जाए और दिल मेरे पे जाए, बट देखो कैसा निकलता है. बट एट द एंड हम हमेशा चाहेंगे कि बस अच्छा इंसान बने जी. ये सारा कुछ करने के बाद अब पूजा का टाइम है. और मैं हमेशा जब भी कोई भी त्यौहार होता है, और त्यौहार की भी बात नहीं है, मैं हर दिन हमेशा यही चाहती हूँ कि घर में जॉइंट फैमिली होनी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों के आशीर्वाद के बिना ना लाइफ में आप जो मर्जी कर लो वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता. पर्सनली मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं अपनी दादा दादी में पली बड़ी हूँ और मुझे हमेशा से ही जॉइंट फैमिली चाहिए. और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जय को भी मैं हमेशा ही चाहूँगी कि वो जॉइंट फैमिली में ही पले बड़े. दादा दादी जो दादा दादी सिखा सकते हैं वो कोई नहीं सिखा सकता. और मैं हमेशा भगवान से यही प्रे करती हूँ कि हर बार दिवाली मैं अपने पेरेंट्स इन लॉ के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करूँ. एंड बड़ों के बिना आई थिंक लाइफ इज़ नथिंग. सो दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव. बट
ये पूजा है। सबसे पहले हम गणपति जी की आरती करेंगे, फिर मम्मा अरदास करते हैं, उसके बाद मैं लक्ष्मी जी की आरती करती हूँ एंड उसके बाद हमारी पूजा हो जाती है। एंड बहुत अलग है ये इस फैमिली की पूजा और जैसे हम पूजा करते हैं, बट एट द एंड मुझे लगता है श्रद्धा मैटर करती है कि आप कितने दिल से पूजा करते हो। एंड यहाँ पे बस यही भगवान से प्रार्थना है, हर बार मैं यही बोलती हूँ कि भगवान जी हर किसी के घर में खुशियाँ आए, हर किसी के घर में लक्ष्मी माँ आए, हर किसी के घर में सुख समृद्धि, और सबसे बड़ी बात हर कोई दिवाली का त्यौहार अपने के अपनों के साथ मनाए। तो और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि बच्चे वो नहीं सीखते जो आप बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो बच्चे देखते हैं। तो मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि जय हमेशा इस साइड हो, जय को अगेन मैं फोर्स कुछ नहीं करूँगी बट आई रियली वांट कि वो स्पिरिचुअल साइड पे ज़रूर जाए और करे। बट हाँ पूजा के बाद पूजा के बाद वी आर ऑल सेट एंड यस। इसी के साथ आप सबको दीपावली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। टॉल आप सब लोग स्वस्थ रहे, हर साल ऐसी दिवाली आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, और मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर किसी के घर में दिया जलना चाहिए। विश अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप मैं ये वीडियो जल्दी से एडिट कर पाऊँ और जल्दी से आपके सामने लेके आ पाऊँ। आप लोग अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड आई होप मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। टेक केयर, बाय बाय।